हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एनेस्थेटिक के नेक्स्ट क्लास के ड्रग्स के ऊपर, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ऐसी एनेस्थेसिया जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और उसके बाद अपने इफेक्ट को शो करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ड्रग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, इस टाइप की वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, आप सभी को ड्रग्स के बारे में बताना। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप कोई सा भी ड्रग्स ले, मेडिसिन ले, तो एक बार अपने फिजिशियन से जरूर संपर्क कर ले। जनरल एनेस्थेसिया, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जनरल एनेस्थेसिया के टाइप, उसके अलग अलग क्लासेस के और इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप यानी जनरल एनेस्थेसिया दो टाइप की होती है, फर्स्ट इन्हेलेशन एनेस्थेसिया और दूसरा इंट्राफेनस एनेस्थेसिया। ये जो इन्हेलेशन एनेस्थेसिया है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती है, रेस्पिरेशन के थ्रू दिया जाता है और ये ब्लड के साथ मिक्स होती है लंग्स में और अपना इफेक्ट शो करती है। जबकि इंट्राफेनस एनेस्थेसिया इंजेक्ट किया जाता है हमारे ब्लड में वेन के थ्रू, और उसके बाद ये ब्लड में मिक्स होती है और अपना इफेक्ट शो करती है। इन्हेलेशन एनेस्थेसिया की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, गैस के फॉर्म में भी आती है और वोलेटाइल लिक्विड्स के भी फॉर्म में। गैस के फॉर्म में नाइट्रस ऑक्साइड आती है और इसका यूज किया जाता है, जबकि वोलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्यूलरेन, डेसफ्यूलरेन और सेवोफ्यूलरेन का यूज किया जाता है। इंट्राभेनस एनेस्थेसिया, इसमें भी दो टाइप है, फास्ट एक्टिंग और स्लोअर एक्टिंग। फास्ट स्लोअर एक्टिंग के अंदर अलग अलग क्लास है, जैसे बेंजोडाइजापेम, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया और अपॉइड एनाल्जेसिक। फास्ट एक्टिंग के अंदर जो ड्रग्स आते हैं जो सॉल्ट से, वो है थायोपेंटेन सोडियम, मेथोहेक्जिटेन सोडियम और प्रोपोफोल इटोमाइड। ये सारे ड्रग्स फास्ट एक्टिंग एनेस्थेसिया है, ये बहुत जल्दी कम समय में अपना एक्ट शो करती है। स्लोअर एक्टिंग की बात करें ड्रग्स के ऊपर तो बेंजोडाइजापेम के अंदर आती है, डाइजापेम, लोराजेपेम, मीटाजोलम, ये सारे ड्रग्स बेंजोडाइजापेम क्लास के अंदर आती है। डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया की बात करें तो इसके अंदर केटामाइन का यूज किया जाता है और अपॉइड एनाल्जेसिक में फेंटाइल का यूज किया जाता है। ये सारी रही स्लोअर एक्टिंग के ड्रग्स। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।